आ गए तुम दोनों, अब सब ठीक है ना? नहीं मतलब वो आंख में कुछ गया था, वो ठीक हुआ? दिखाओ बेटा एक बार। नहीं मम्मा, अभी सब साफ हो गया है, ऑल क्लियर। तो बाकी सब चीजें भी साफ हो गई? नहीं मतलब तुम दोनों के बीच में बातें तो हुई होगी ना, सारी गलत फहमियां साफ हो गई? जी आंटी, सब क्लियर हो गया है, अभी ऑल क्लियर है ना आर्यन? मैं तो बाहर जाके सबको यही झूठ बोलूंगी कि तुमने मुझे कहा है शादी के लिए मना कर दो, और अगर मैं ना करूं तो तुम बाहर जाके सबको झूठ बोल दोगे कि मेरा बॉयफ्रेंड है। आर्यन जी, पूछ रही है कुछ? ऑल क्लियर, सब साफ हुआ ना तुम दोनों के बीच? जी ऑल क्लियर। तो क्या डिसीजन लिया तुम दोनों ने? मतलब दामिनी से शादी करने के लिए तैयार हो ना? बताओ ना, तैयार हो? हाँ, हाँ। मैंने हाँ कहा, अब तो ना करने का सवाल ही नहीं उठता ना। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। क्या करे, छोड़ो मुझे, रणबीर छोड़ो। कम क्या? उठा क्यों रहे, कोई देख लेगा, उतारो मुझे। देखो मैंने तुम्हें बहुत प्रॉमिस किया था शादी से पहले कि मैं तुम्हें पलकों में बिठा के रखूंगा। अब पलकों लायक हल्की तो तुम रही नहीं, लेकिन मैं तुम्हें गोदी में उठा के तो रह सकता हूँ। तुमने क्या कहा था, पलकों पे बिठा के रखूंगा? तो पलकों पे रखो ना, गोद में क्यों उठा रहे, उतारो। क्या कर रही हो तुम? जो प्रॉमिस किया था वो करो, पलकों पे बिठाओ। अरे वो डायलॉग बोल दिया था मैंने, तुम्हें बताया डायलॉग बाजी तो चलती रहती है। और क्या कहा था कि तुम उतनी हल्की रही नहीं, मैं भारी, मैं सिर्फ 45 किलो की हूं। हटाओ मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। क्या कर रही हो? तुम्हें ना सारी तकनीकें पता है, मुझसे दूर कैसे जाना है। अब तुम्हें मुझे पास लाने की तरकीब नहीं आती तो मैं क्या करूँ? मुझे करीब लाने की तकनीक नहीं, बता क्या बोला तुमने? मैंने कहा रणबीर कोहली मुझे परेशान मत करो, मैं सुबह 5 बजे उठी हूँ, बहुत काम है, मेरा कोई मकसद है आज के। अरे तो छोड़ो ना मकसद तुम्हारा, को मेरा मकसद पूरा करो। देखो डेकोरेशन वाले आ जाएंगे, वो डेकोरेशन कर लेंगे, तुम चिल करो मेरे साथ। क्यों? क्यों मतलब क्या होता है? क्यों मतलब होता है वाय? तुम स्कूल नहीं गए? मैं स्कूल गया हूँ, लेकिन तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरे साथ रहो। मेरे पास ना साथ रहने के लिए टाइम नहीं है, मुझे काम है। देखो क्या करके रखा है, बहुत कर लिया तुमने काम। चिकचिकी प्राची रणबीर कोहली, तुम्हारा जो पति है ना अभी बहुत रोमांटिक मूड में है, तो कृपया करके ये रोमांटिक मूड जो है वो खराब ना करे, वरना नहीं वरना क्या? तुम्हें लगता है मैं डरती हूँ तुमसे? तुम नहीं डरती मुझसे? नहीं। क्या कर रही हो तुम रणबीर? क्या किया मैंने? तुम्हें कुछ हो रहा है क्या? नहीं। अब नहीं, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि अगर तुमने नहीं बोला ना तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। कुछ हुआ? अब तो तुम्हें किस करना पड़ेगा। नहीं तुमने बोला, मैंने नहीं बोला तो तुम करोगे, तुम मैंने नहीं, तुमने बोला ना अभी नहीं, अब तो करना पड़ेगा। I'm so sorry, Branchi. क्या कहा था तुमने? तुम्हें करीब लाने की तकनीक नहीं आती मुझे, मैं तुम्हें किस कर सकता था, लेकिन अगर मैंने तुम्हें किस कर लिया ना तो मेरी इज्जत को कौन बचाएगा तुमसे? तुम मेरी इज्जत लूट लोगे ना? बकरे तुम मार खाओगे मुझे। क्या कहा तुमने? मुझसे बचना पड़ता है तुम्हें। अब तुम्हें डेकोरेशन नहीं करनी क्या? नहीं करनी डेकोरेशन, मैं कर लूंगी। मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं देख लेगा क्या कर रही है, इतना छोड़ दो मेरे साथ। चुप करो मेरे साथ। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों तुमने शादी के लिए हाँ की? क्यों क्या? तुमने सबसे कहा ना कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, मैं मना कर रहा हूँ, तो लो मैंने हाँ कर दी। देखो सब कितने खुश हैं, जस्ट लुक एट देम सी। लेकिन तुम्हें तो मुझसे शादी नहीं करनी थी ना। शादी मुझे अब भी तुमसे नहीं करनी, मैं तो बस तुम्हें परेशान करना चाहता था, जैसे तुमने मुझे किया, बिल्कुल वैसे। What? लेकिन तुम्हें पता है ना कि मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है करके। पर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है ना कोई, और मुझे तो सिर्फ शादी नहीं करनी। पर तुम मुझे मेरी फैमिली की नजरों में गिराओ, उनके सामने मुझे विलन बनाओ और खुद स्वीट सी बन के बैठे रहो। नहीं 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 दामिनी, ऐसे तुम्हें अपने दामन पे दाग नहीं लगाने दूंगा मैं। दामिनी का पाला ना दमदार आलियन से पड़ा है, तो तुम देखती जाओ बेबी, तो बस शुरुआत है। अरे देखो देखो दोनों लव बर्ड्स को अभी से कुसुर पुसुर कर रहे हैं।
लव बर्ड्स की कुसुर पुसुर पूरी हो गई हो तो एक दूसरे को मिठाई तो खिला लो. कम ऑन. हाँ हाँ दामिनी खाओ ना, ये लो ये लो. हाँ ये खिलाएगा ना उसे. रिश्ता पक्का हो गया, अब चलते हैं घर जाकर पंडित जी से मिलते हैं. शादी की तारीख भी तो पक्की कर रही है ना. अरे आंटी इतनी जल्दी क्या है, अभी तो सिर्फ हाँ करिए ना, थोड़ा टाइम ले लेते हैं. अब टाइम क्यों लेना है, शुभ काम में देरी कैसी, आप लोग बड़े हैं, जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे, अच्छा ही करेंगे. अरे बड़ों का आशीर्वाद ले. जी अकेले नहीं, जोड़ी में आओ. हाँ तो तूने शादी के लिए हाँ कह दिया तो तुम लोग जोड़ा बन चुके हो, साथ में आ जाओ भाई. चलो बस बस गले में खुश रहो. अच्छा जी नमस्ते. यार ये गुस्से गुस्से में अपने गले में फंदा डाल लिया क्या मैंने. रणबीर को कॉल करता हूँ, शायद वो कुछ सोल्यूशन निकाले. मुझे जाना है प्लीज. कैसी बातें कर रहे हैं आप, वहां पे वो अंधाधुंध गोली मार रहे हो, किसी को भी गोली मार देंगे अगर आप अभी बाहर गए ना, आपको भी गोली लग जाएगी. मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे प्लीज उनसे बात करने दो, मुझे कुछ नहीं करेंगे. मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है. वो बात नहीं करेंगे आपसे, वो टेररिस्ट है, वो सीधा गोली मार देंगे, बिना शक्ल देके गोली मार रहे हैं वो. देखिए आपको बचना है ना तो हमें वेट करना होगा, एक बार मदद आ जाएगी हम फिर निकल जाएंगे वहां से. आप प्लीज समझिए, देखिए होश में आइए सर. ओह माय गॉड प्लीज. अरे डॉक्टर साहब सर प्लीज प्लीज हौसला मत हारिए, ये एक 5-star होटल है, यहाँ पे बहुत जल्दी सिक्योरिटी आएगी, एक बार हमारी मदद के लिए कोई आ गया ना उसके बाद हम ऐसे निकल जाएंगे. प्लीज हौसला मत हारिए. कौन सा नंबर बताया था तुमने. 305 काया का कमरा. तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा. ठीक है मैं चलूंगा आपके साथ. 1 2 3 चलिए सर. अब क्या हुआ. एक बच्ची है उसका नाम खुशी है, मुझे उसको बचाना होगा. आप एक काम कीजिए, आप 305 पे यहां से पहुंचे, मैं आपके पास तुरंत पहुंचता हूं, मुझे उसको जाना होगा. सॉरी सर चाहिए प्लीज. एक्सक्यूज मी ये रूम नंबर 305 किधर है. एक सेकंड रुक जाइए मिट्टी आंटी, ये रुक जाइए, ये कोई शादी वाली शूटिंग नहीं है, डेफिनेटली कोई अटैक हुआ है. अटैक कैसा अटैक. शायद टेररिस्ट अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रॉबरी हो सकती है, वी डोंट नो, बट डेफिनेटली बुलेट की आवाज है, ये अटैक ही है. आप एक काम करो छुप जाओ. बेटा हाँ जी बाहर क्या हो रहा है. वो लड़की तो हिली नहीं रही है, जान बचाओ और भागो. खुशी खुश खुशी 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 इट्स मी इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर. रणबीर कपूर. हाँ कपूर ही सही, लेकिन तुम्हें अभी बचाने यहाँ से, चलो चलो लेट गो. मुझे डर लग रहा है. तुम मत डरो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा. ओके कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हूँ ना. आई प्रॉमिस तुम्हें प्रॉमिस नहीं होने दूंगा कुछ. कम नहीं, मुझे बहुत डर लगता है. बेटा मत डरो ना, मैं हूँ ना. करेगी, मैं बात करूंगा तुम्हारी माई से, नहीं गुस्सा करेगी. प्लीज मेरे साथ चलो प्लीज. अगर वो गुस्सा करे तो मैं देख लूंगा, मैं संभाल लूंगा माई को. प्लीज चलो अब उठो, बहुत जिद्दी हो यार. चलो लेट्स गो. पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर.